तो देखिए विशेष सत्र को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। जिस दिन से सरकार ने विशेष सत्र के बुलाए जाने का ऐलान किया उसी दिन से हो हल्ला शुरू हो गया है जो अभी तक बदस्तूर जारी है। अगले 5 दिन तक सियासी हंगामा और भी ज्यादा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तैयारी है, सबकी निगाहें इस ओर है कि कौन किस पर भारी है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह के साथ इस वक्त है कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। बोलिए आशीष। जी बिल्कुल स्नेहलता, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि बात विवाद का सिलसिला जारी है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे आवाज पहुंच रही है और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता पार्टी के वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं और बड़ा दिलचस्प है कि संविधान सभा को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया, हालांकि तमाम दूसरे बिल भी हैं। खास तौर पर बात करते हैं अधीर रंजन चौधरी साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आज हेक्टिक डे है, मैं समझता हूँ आपने वक्त दिया और सुबह सुबह ये केसर वाली चाय पिलाने के लिए भी आपका शुक्रिया। दादा संविधान सभा को लेकर के चर्चा, बड़ा अच्छा रेप्लिका मैंने ये आपके घर पे आप पीछे देख रहा हूँ, नॉस्टैल्जिक होगा आज का समय, आज आखिरी दिन बैठने वाले हैं पुरानी सभा में। तो अगर मौका मिले सही ढंग से चर्चा करने की तो सबके लिए बड़ा एक नॉस्टैल्जिक तो होना ही चाहिए, सबके लिए बड़ा अच्छा संवाद करने के मौका मिलेगा, लेकिन सुबह 11 बजे से 6 बजे तक ये चलेगी। मुझे तो राय है कि ये और लंबा इसको चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो अनुभव उपलब्धियाँ ये सारे कुछ बताने की ये एक मुद्दा है। तो ये ऐसा पहले भी तो चर्चा हुई इस मुद्दे को लेकर, जब हमारे वर्षों मतलब 60 इयर्स 25 जब ये स्पेशल सेशन भी बुलाए गए थे पहले, लेकिन इस तरह की स्पेशल सेशन बाहर से तो सुनने को मिला स्पेशल सेशन, लेकिन कल मुझे सरकार की सारे नियत देख के मुझे ये लग रहा है कि ये तो नॉर्मल सेशन हो रहे हैं। और जब नॉर्मल सेशन की बात होती है तो हमारे 0 आवर होना चाहिए, क्वेश्चन आवर होना चाहिए, हमारे कॉलिंग अटेंशन होना चाहिए, दूसरे मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए, उसका कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी ये तो ना कहते स्पेशल सेशन ना कहते नॉर्मल सेशन, ये बट अटपटा लग रहा है शुरू के दिन से ही। फिर ये कहे जा रहा है कि आज संविधान सभा की मुद्दे पे चर्चा होंगे, हम चाहते हैं कि चर्चा हो, हमें सबको अपना सारे मतलब हमारे मेंबरों की जो तजुर्बे है, हमारे मेंबरों की जो उपलब्धियाँ है, सरकार की जो राय है, सारे मुद्दे को लेकर मतलब सही ढंग से चर्चा होना जरूरी तो है, क्योंकि हमारी ये जो संविधान और संविधान की जो मतलब दिवस की बात किए जाते हैं संविधान भवन, तो संविधान दिवस तो इसी के चलते ही ना हम लोग आज आज़ाद हुए हैं, 75 साल मना रहे हैं, और ये संविधान थे इसीलिए ना हमारे देश में लोकतंत्र कहिए, धर्मनिरपेक्षता कहिए, हमारे न्याय कहिए, समानता कहिए, आज भी ये बरकरार है। तो संविधान हमारे लिए बड़ी मूल्यवान चीज़ होते हैं, बड़े अहम चीज़ होते हैं, तो उसी को तो दादा सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर आपके मन में ऐसी शंका क्यों, मुझे आपकी बात से लगा कि आपको लग रहा है कि भाई ना ये स्पेशल सेशन बोले हैं ना नॉर्मल सेशन, ये तो सरकार कर रहे हैं ना, शंका मैं नहीं, तर्क बना रहे हैं, मैंने ये एक नियम कानूनों की बात करता है मैंने, दूसरे कुछ नहीं, ये कोई ना कोई शंका ना कोई देश कुछ नहीं, मैं नियम कानूनों की बात करते हैं कि स्पेशल सेशन है ये नॉर्मल सेशन है, सरकार को तरफ से खुद कहना चाहिए। ये पूछा आपने कल की बैठक में क्या की? सब मैं नहीं, हमारे सारे जितने विपक्षी नेता होते सब ने पूछा, क्योंकि ये नॉर्मल सेशन अगर होगी तो रेगुलर सेशन अगर होगी उसमें तो क्वेश्चन आवर 0 आवर आप जानते हैं, बाकी सारे मुद्दे रहेंगे। तो आधिकारिक तौर पर दादा यानी आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं किया गया कि ये क्या सिटिंग है? नहीं नहीं नहीं, सरकार की मतलब पहले तो देखो पहले तो सारे मीडिया वालों की हवाले से ये पता चलता था कि ये स्पेशल सेशन होगी, तो स्पेशल सेशन के मतलब कुछ अलग होते हैं, पहले भी हमारे सदन में स्पेशल सेशन हुई ऐसा नहीं, 5-6 स्पेशल सेशन तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन 2 किस्म के स्पेशल सेशन होते हैं, एक तो डिबेट सहित एक बिना डिबेट। जैसे कि मान लीजिए आज़ादी के दिन में जिस दिन हमारी आज़ादी की घोषित हुई थी 1947 के मिडनाइट में जो होते हैं, ये मिडनाइट में जो होते हैं सेशन, जवाहरलाल नेहरू साहब ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू साहब जो
उनका आइकॉनिक स्पीच दिए थे, आई मीन ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, वो मिडनाइट में थे, उसमें चर्चा नहीं होते। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जीएसटी को लेकर मिडनाइट सेशन बोलते, उसमें चर्चा नहीं होती। लेकिन बाकी जब सेशन होते हैं वो स्पेशल कहा तो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, डिबेट होते हैं, तो दो किस्म के होते हैं, तो ये कौन सा किस्म के पता नहीं। और अब जब सिर्फ डिबेट के लिए होते हैं, एक तो सिर्फ डिबेट के लिए, उसके साथ बाकी सारे मुद्दे नहीं रहते कि, लेकिन यहाँ सारे बिजनेस भी है, डिबेट भी है, संविधान दिवस भी है, स्पेशल सेशन भी है, सब चीज मिला के मुझे अटपटा लग रहा है और कुछ नहीं। अच्छा दादा प्लीज आप चाय पीते रहे, मुझे, मैं आपसे इशू पे भी आ रहा था, बड़ा इस बात को लेकर के स्पेकुलेशन था कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित या फिर कुछ और मसले जिसको लेकर के ऑपोजिशन ने भी आप लोगों ने भी बड़ा कहा कि भाई ऐसे कैसे ला सकते हैं। अब जो एजेंडा सामने आया है उनमें ये इशू अभी तो ये शामिल नहीं हुई, तो कौन से इश्यूज डोमिनेट करने वाले, आप लोग कौन से इश्यूज को रेज करना चाहते हैं? सरकार खुद जानते हैं सरकार क्या चाहते हैं, सरकार की मंशा क्या है, खुद सरकार को बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो मतलब लिस्ट दिए गए, कल चार ऐसे बिल थे और उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि और कुछ आइटम्स है, बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन उसके बीच हमें और कोई जानकारी नहीं। क्योंकि नहीं, एक मिनट दादा, सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, सरकार की तरफ से आपसे ये कहा गया कि कुछ और आइटम्स हैं जिसको आपको इंटीमेट किया जाएगा? हाँ, ऐसा कहा गया। कल ही कहा कि और 8 आइटम हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी कहा गया प्रहलाद जोशी खुद कहे, इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि क्या वो कहता है कि सब दे दिया, कहां दिया पता नहीं। अच्छा, कहां दिया, कौन दिया, कैसे दिया, कब दिया पता नहीं। अच्छा चलिए, जो जो आइटम्स हैं उसको लेकर उसमें कोई असुविधा नहीं, हम तो चर्चा करने के तैयार हैं। अच्छा, आप लोग ऑपोजिशन पूरा चर्चा करने के लिए पूरा पूरा। इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के जो विधेयक, हम विरोध करेंगे, अन्याय हो रहे हैं ये। अगर इलेक्शन कमीशन की संप्रभुता अगर नहीं रहेगी तो हमारा इलेक्शन और इलेक्शन नहीं रहेगा, सिलेक्शन की तरह चली जाएगी। तो आपका आरोप क्या है, क्यों आपको, आप क्यों विरोध करना चाहते हैं संप्रभुता? विरोध इसलिए कर रहे हैं, पहले बिल लाने दीजिए उसके बाद तो विरोध करेंगे। तो फिर आप हवा हवा से विरोध क्यों कर रहे हैं दादा, की इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस नहीं, जब तक ये इंडिपेंडेंस के सवाल आते हैं, उनका डिग्रेड किया जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को डिग्रेड किया जाते हैं। हम हिंदुस्तान में टीएन सेशन की जरूरत होते हैं, ये जो इनका जो इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस आज तक हमारे हिंदुस्तान में चुनाव कराने में सफल भूमिका पालन की है, उसको अगर किसी हालत में छोटा किया जाए, मतलब मान लीजिए कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक और एक इलेक्शन कमीशन की रैंक एक नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अगर सत्ता से हटाना है, पद से हटाना है, तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट करना पड़ते, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी के खिलाफ इंपीचमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब डिग्रेडेशन हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इनको इंडिपेंडेंस होना चाहिए बस। दादा एक अलाउ मी, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा परसेप्शन जाता है कि इन एंटिसिपेशन ऑपोजिशन कुछ मान के बैठ जाता है और असल में वैसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी तक अगर ऑपोजिशन ने बहुत इस बात को रेज किया कि भाई सरकार नाम बदलना चाहती है, इंडिया से भारत करना चाहती है, ऐसा कुछ तो एजेंडा में आया नहीं, तो दादा कहीं ऐसा बातचीत चर्चा है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो अब दर्शकों को बताते चले। बड़ी खबर ये है कि आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। विशेष सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बात रखेंगे, उनका संबोधन होगा, ये क्लैरिटी आ गई है। आप तक ये बड़ी अपडेट पहुंचाएं, आज विशेष सत्र की शुरुआत है, पहला दिन है और 11 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, वो अपनी बात रखने वाले हैं, ये क्लियर हो चुका है। ताजा अपडेट, आज पुरानी बिल्डिंग में 75 साल की यादों में विशेष सत्र पर आज क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखना और सुनना जरूरी है। और विशेष सत्र में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से बातें आगे बढ़ेंगी, इस पर पूरी कवरेज पर एबीपी न्यूज की निगाहें बनी हुई है।